नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। मैं अजीत सिंह, आपके अपने चैनल अजीत सिंह चावड़ा वकील जी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको प्रेस कर दीजिए और पास में एक बेल आइकॉन, उसको दबा दीजिए। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, संस्कार। दोस्तों, आजकल के जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, और मैं इसके लिए पेरेंट्स को जिम्मेदार मानता हूँ, इंक्लूडिंग मी। दोस्तों, पिछले दिनों की बात है, मैं अपने फ्रेंड्स के घर गया था। उनके एक ही बच्चा है, और जब मैं गया तो देखता हूँ कि बच्चा घर में बैठा है, और एक दो बार वो बीच में आया, लेकिन ना उसने मुझे कोई नमस्ते की और ना ही कोई हलो, और आया और आकर बैठकर चला गया। मैं भी कई देर तक बैठा रहा और मैं सोचता रहा कि देखो, इस घर में मैं आया हूँ और बच्चा मेरे पास आया भी है, ना कोई हाय ना हलो ना कोई नमस्कार, और बच्चा जाकर बैठ गया है। दोस्तों, ये समस्या एक घर की नहीं है, काफ़ी घरों में ये प्रॉब्लम है। देखो, आजकल वैसे भी एकल फैमिली है, वैसे भी एक या दो बच्चे हैं लोगों के, और एक या दो बच्चों में भी अगर किसी के एक ही बच्चा है तो वो धीरे 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 अपने रिश्तों को भूलता जा रहा है, और उसकी वजह हम स्वयं ही हैं। हम जब तक बच्चे को अपने परिवार के साथ, समाज के साथ नहीं ले जाएंगे, नहीं मिलाएंगे, तब तक वो बच्चा कैसे जानेगा। हमें कई बार समय ही नहीं मिल पाता और बच्चा बड़ा हो जाता है, और बच्चे को जब पूछा जाता है कि ये तेरी मौसी है, ये तेरी बुआ है, ये तेरे मामा है, ये तेरे चाचा है, तब जाके वो पता लगाता है, अरे हाँ, ये मेरे चाचा है, ये मेरे मामा है, ये मेरी बुआ है, ये मेरी मौसी है। क्योंकि जब वो छोटा होता है तब तक हम उसे मिलाते ही नहीं हैं, और जब बड़ा हो जाता है तब हम कहते हैं कि भाई ये तुम्हारी वो है, ये तुम्हारी वो है, ये तुम्हारी वो है। दोस्तों, समय ऐसा आ गया है कि वैसे ही हमारे घरों में एक या दो बच्चे हैं, और एक या दो बच्चे हैं तब तक तो कोई दिक्कत, दो बच्चे हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर किसी घर में एक ही बच्चा है और उसको भी अगर परिवार के साथ आपने तालमेल रख के उसे मेलजोल नहीं कराया तो वो धीरे धीरे रिश्तों को एकदम भूलता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसे ये पता ही नहीं होगा कि चाचा कौन होते हैं, बुआ कौन होती है, मौसी कौन होती है, मामा कौन होता है। क्यों? कि उसने ये देखा ही नहीं है, उसको इस बारे में जानकारी ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों को अपने परिवार में मेलजोल कराइए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ जोड़िए, जिससे क्या होगा कि बच्चा जो है पारिवारिक रिश्तों को जानेगा, उनके संस्कारों को अपनाएगा, तब जाकर उसको कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं तो बड़ा होके उसको रिश्तों की जो इम्पोर्टेंस है उसका उसे ज्ञान ही नहीं होगा, और जब रिश्तों का ज्ञान नहीं होगा तो वो आगे रिश्तों को कैसे संभालेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।